अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी। 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स काफी हैं। फटाफट से बनकर तैयार होने वाली लाजवाब मिठाई की रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल रियाज किचन को सब्सक्राइब करें। चलिए इंस्टेंट कलाकंद बना लेते हैं। इंस्टेंट मिल्क पाउडर कलाकंद बनाने के लिए हमने 2 बोल मिल्क पाउडर को लिया है। मिल्क पाउडर को हम एक कढ़ाई में डालेंगे। जिस बोल से हमने मिल्क पाउडर लिया था उसी बोल से हम 1½ बोल पानी डालेंगे। पहले डालेंगे 1 बोल पानी और 1/2 बोल पानी डालेंगे। मिल्क पाउडर को पानी के साथ अच्छे से मिलाते जाएंगे। मिल्क पाउडर के लम्स तोड़ते हुए हमें इसका गाढ़ा एक घोल बना लेंगे। पानी के साथ मिलाकर मैंने गाढ़ा एक घोल बना लिया है। लम्स सारे तोड़ लिए हैं मैंने। अब इसमें हम एक बॉईल आने के लिए देंगे। दूध में हमारे हल्का बॉईल आ रहा है। अब हम इसमें 1 लेमन जूस को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 लेमन जूस लिया है। अब उसे हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे मिल्क पाउडर के मिल्क में मिलाते जाएंगे। फिर 1 स्पून डाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा दूध धीरे धीरे फटने लगेगा। लेमन जूस को अच्छे से मिलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखा है। इस रेसिपी को आप मीडियम फ्लेम पे ही बना लें। दूध हमारा फट गया है। देखिए इसमें जो पानी हमने इस्तेमाल किया था पानी को रिड्यूस कर लेंगे। हमारे दूध में से पानी पूरा रिड्यूस हो गया है। जो हमारा छना है वो भी बिल्कुल दानेदार हुआ है। अब इसमें हम जिस कप से मिल्क पाउडर लिया था उसी कप से 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी को मिला लेंगे। चीनी हमारे अच्छे से पिघल कर मेल्ट होने चाहिए। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर को डाल लिया है। अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। अब हमारा कलाकंद का बैटर पक गया है। अब इसे एक डिब्बे में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर एक स्टील का डिब्बा लिया है, उसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब उसमें हमारे कलाकंद के बैटर को डालते जाएंगे। मैंने कलाकंद के बैटर को एक डिब्बे में डाल लिया है, उसे हल्के से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए छोड़ेंगे। मैंने कलाकंद को 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा था। देखेंगे हम हमारा कलाकंद जमा या नहीं। देखिए अच्छे से जम गया है हमारा कलाकंद। अब इसे हम पलट लेंगे।
लीजिए, हमारा कलाकंद बनकर तैयार है। अब इसे हम मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। लीजिए, हमारा इंस्टेंट कलाकंद बनकर तैयार है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे और एक नई मजेदार बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।